ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिलासपुर में दो दिनों से हो रही रिमझिम बारिश से जहां किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं ठंड का प्रकोप भी अत्यधिक बढ़ गया है। सुबह के समय विजिबिलिटी कम होने के चलते वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है तो वहीं निचले क्षेत्रों में बारिश से काफी ठंड बढ़ गई है। बिलासपुर में दो दिनों से हो रही रिमझिम बारिश से जहां किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं ठंड का प्रकोप भी अत्यधिक बढ़ गया है। सुबह के समय विजिबिलिटी कम होने के चलते वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के होने से अब विजिबिलिटी में भी कमी आएगी। वहीं जहां ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, वहीं निचले क्षेत्रों में बारिश से काफी ठंड बढ़ गई है, जिससे लोगों को अपने घरों से भी निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं युवाओं का कहना है कि काफी समय से बारिश न होने के चलते किसानों की फसलों को भी नुकसान होता नजर आ रहा था। पिछले काफी दिनों के बाद पिछली रात से लगातार बिलासपुर जिला में बारिश हो रही है। बारिश के चलते जो यहाँ का तापमान है वो काफ़ी गिर चुका है, जिससे बिलासपुर जिला में ठंड का प्रकोप जारी है। लोग तरह तरह के तरीके ठंड से बचने के लिए अपना रहे हैं। साथ के साथ जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे सैलानी लगातार बिलासपुर को हिमाचल की तरफ रुख कर रहे हैं। ये किसानों के लिए भी एक काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि बारिश के बाद किसानों की जो फसलें हैं वो काफ़ी अच्छी होंगी। यहाँ से पिछले रात से बहुत बारिश हो रही है और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है। जो बारिश के बिना जो सुबह जो धुंध ज़्यादा पड़ती थी, अब बारिश हो गई है। बारिश की बस अब ये है कि धुंध थोड़ी कम पड़ेगी सुबह सुबह, तो ठंड तो बहुत ज़्यादा हो गई है बारिश की वजह से।